गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू सो एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू स्टार्ट करने से पहले आप एस्टिमेटिंग टाइम समझिए एस्टिमेटिंग टाइम क्या होता है देखो एक मिनट जो होता है वन मिनट शॉर्ट लॉन्ग शॉर्टर टाइम होता है ना छोटा पीरियड टाइम होता है ना और एक घंटा वन आवर लॉन्गर पीरियड टाइम होता है ना तो और वन मिनट से भी छोटा क्या होता है कौन सा पीरियड टाइम होता है सेकेंड्स है ना सिक्सटी सेकेंड इक्वल वन मिनट है ना तो सेकेंड क्या है मिनट से भी छोटे हैं है ना छोटा पीरियड टाइम है हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं बेटा टाइम का हम एक फ़ोन कॉल करते हैं तो वो मिनटों में टाइम गिना होता है उसका है ना हमने फाइव मिनट्स में बात करी हमने टेन मिनट्स में बात करी है ना और अगर हम एक गिलास पानी पिए तो वो सेकेंडों में पी सकते हैं हम है हमें ना? उसके लिए हमें मिनटों नहीं चाहिए है ना आप एक गिलास पानी कितनी देर में पियोगे थर्टी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड है ना ठीक है ऐसे ही हम जब खाना खाते हैं तो हाफ एन आवर तो लगता ही है है ना इतना तो एस्टिमेट है ही है ना आधा घंटा तो लग ही खाना खाने में है ना और अगर हम ब्रेकफास्ट करें तो वो 15 मिनट्स में भी हो जाता है है ना ब्रेकफास्ट कितनी देर में होता है 15 मिनट्स में और खाना कितनी देर में खाया होता है हम लंच कितनी देर में करते हैं एट हाफ एन आवर है ना जब हम कैरम खेलते हैं तो एक-एक घंटा -एक लग जाता है और कई बच्चे तो दो-दो घंटे -दो तक ही कैरम खेलते हैं है ना और ऐसे ही हम और दूसरे गेम्स खेलते हैं तो थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए है ना और अगर हम उसके मुकाबले में देखे खाना तो वो हम कम समय में खा लेते हैं है ना ऐसे ही हम टाइम का एस्टिमेट करते हैं है ना टाइम का को मापते हैं कि हमें इतनी देर में ये करना है जैसे आप अगर स्कूल आते हो तो आप सुबह उठते हो जल्दी जल्दी से ब्रश करते हो तो क्या ब्रश करने में वन एंड हावर लगाते हो नहीं है ना ओनली फाइव मिनट्स है ना थ्री मिनट फाइव मिनट्स उसके बाद फ्रेश हो गए नहाओगे है ना उसके लिए अपना टाइम पीरियड जमा के रखते हो ना एस्टिमेट करके रखते हो ना कि मैं सात बजे उठूँगा तो मैं पाँच मिनट में ब्रश कर लूँगा पंद्रह मिनट में नहा लूँगा और ड्रेस पहन कर रेडी होकर जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं अपने स्कूल चला जाऊँगा एट ओ क्लाक में स्कूल पहुँच जाऊँगा तो आपने अपने प्रिपरेशन टाइम के लिए कितना टाइम लगाया बेटा ओनली फोर्टी फाइव मिनट्स है ना तो ऐसे ही हम टाइम का मैनेजमेंट करते हैं या एस्टिमेटिंग करते हैं ठीक है चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एन सर्कल ऑन द क्लोजेस्ट आंसर है ना लिसन अ म्यूजिक कैसेट एक म्यूजिक कैसेट को सुनना में कितना टाइम लगता है एक मिनट या वन आवर कितना टाइम लगेगा बेटा एटलीस्ट वन आवर है ना क्योंकि म्यूज़िक कैसेट जो होता है उसमें एटलीस्ट फाइव टू टैंस सॉन्ग्स होते हैं तो फाइव टू टैंस सॉन्ग सुनने के लिए एक घंटा तो चाहिए है ना गो टू स्कूल थर्टी मिनट्स और थर्टी आवर्स कितने मिनट लगाते हो स्कूल आने में स्कूल पहुंचने में ओनली थर्टी मिनट्स है ना थर्टी आवर थोड़ी ना तीस घंटे थोड़ी ना लगेंगे है ना लर्न अ लेसन लेसन लर्न करने में टू मिनट्स और टू आवर कितना टाइम लगेगा आपको एटलीस्ट टू आवर है ना फ्रॉम फ्रॉम रेनी टू समर सीजन रेनी सीजन से समर सीजन आने में कितना टाइम लगता है बेटा वीक्स लगते हैं या मंथ लगते हैं मंथ है ना ग्रो ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड एक प्लांट को सीड से निकलने में कितना टाइम लगेगा बेटा डेज या वीक वीक्स है ना एटलीस्ट वन वीक टू वीक्स लगता है ना सीड से प्लांट आने में है ना फॉर अ पपी टू बिकम अ डॉग एक छोटे से पपी को डॉग बनने में कितना टाइम लगेगा मंथ्स लगेंगे या ईयर year लगेंगे ईयर्स लगेंगे है ना ठीक है यहाँ पे आपको देखो कैलेंडर कैलेंडर के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ देखो लुक एट द कैलेंडर ऑफ ईयर टू थाउजेंड थर्टीन यहाँ पर आपको टू थाउजेंड थर्टीन का कैलेंडर दिया गया है और यहाँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ना आपको उनके आंसर इन इस कैलेंडर को देख कर फिर देना है ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहला एक नंबर पर क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी संडे आर दे आर इन ईयर टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन में कितने संडे पड़े तो आपको ये सम निकालना पड़ेगा इसको देख कर आपको काउंट करना है कितने संडे हैं तो अपन क्या करेंगे एक रफ पेपर में हम क्या करेंगे लिख लेंगे जैन यहाँ लिख लेते हैं संडे टोटल संडे है ना जैन फैब। सबसे पहले हम इसको देखते हैं देखिए सबको दिख रहा है या नहीं अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा है ना ये संडे की लाइन दी है तो जनवरी में कितने संडे थे वन टू थ्री फोर जनवरी में कितने संडे हमने यहाँ लिख लिए फोर है ना अब हम फरवरी के संडे गिनेंगे तो वन टू थ्री फोर संडे फरवरी में भी पड़े है ना फरवरी के बाद क्या आता है बेटा मार्च है ना मार्च में कितने संडे आए तो जनवरी फरवरी एंड देन मार्च वन टू थ्री फोर फाइव हम यहाँ पे फाइव लिख लेते हैं ऐसे ही हम सारे संडे काउंट करेंगे है ना हम मार्च तक पहुँच गए देन यहाँ अप्रैल में फोर संडे है ना अप्रैल फोर अब अप्रैल के बाद मई में, में कितने संडे पड़े वन टू थ्री फोर संडे मई में ठीक है नेक्स्ट मई के बाद जून वन टू थ्री फोर फाइव संडे जून में जुलाई में वन टू थ्री फोर संडे है ना नेक्स्ट जुलाई के बाद अगस्त वन टू थ्री फोर संडे है ना नेक्स्ट सेप्टेम्बर वन टू थ्री फोर फाइव संडे है ना नेक्स्ट वन टू थ्री फोर संडे अक्टूबर के बाद नवंबर फोर संडे है ना दिसंबर में वन टू थ्री फोर फाइव संडे है ना ऐसे हमने सारे संडेज लिख लिए है ना अब हम इसको काउंट कर देंगे टोटल कर देंगे है ना ठीक है सो आंसर कितना आया फिफ्टी टू है ना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिफ्टी टू ऐसे ही आप काउंट करिएगा ऑन विच डेट डिट द रिपब्लिक डे फॉल रिपब्लिक डे किस डेट पे पड़ा है ना तो आपको यहाँ पे वो डेट लिखनी है कब पड़ता है रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी है ना फिर विच डे ऑफ द वीक वॉज द फिफ्टीन डे इन अगस्त कौन से डे पे फिफ्टीन अगस्त पड़ा था वो डे यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है ऑन विच डे डि ईयर टू थाउजेंड थर्टीन बिगिन टू थाउजेंड थर्टीन किस डे से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर लिखना है आपको जैसे हमने यहाँ देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे देन वेनसडे से सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे से टू थाउजेंड थर्टीन शुरू हुआ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ट्यूसडे ट्यूजडे है ना नेक्स्ट विच डे डिड द डिड योर बर्थडे फॉल यहाँ आपको लिखना है आपका बर्थडे कौन से डे में बड़ा है है ना फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी एट मे टू ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर डेज इंक्लूडेड आपको ट्वेंटी एट मई ट्वेंटी एट में कहाँ आए हैं ये है और इसका ये ट्वेंटी एट ये रहा है ना और फिफ्थ सेप्टेंबर मई के बाद सेप्टेंबर कब पड़ेगा फिफ्थ ये रहा इस सब के बीच में कितने डे आए हैं आपको वो काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है ठीक है हैव अ नाइस डे नेक्स्ट हम थर्टीन थ्री वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके okay? बाय